Yes, we'll start chapter number 10 of business studies, that is the financial market. Financial market meaning लिख लीजिए पहले. Meaning, it is a market that directs the flow of funds, directs the flow of funds into investments. It is a market for creation and exchange of financial assets like shares and debentures, etc. So ये वो medium है जिससे जो savers और investors जो हैं वो आपस में they meet with each other. हमारे पास जो पैसा होता है ज्यादा हम क्या करते हैं उस पैसे का, ज्यादा मीन हमने खर्चा कर लिया which we have saved, क्या करते हैं उसका, बैंक में रख लेते हैं, जनरली बैंक में रख लेते हैं या किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह परचेज कर ले, यही करेंगे. वी आर द सेवर्स एंड वी गिव दैट मनी टू द इन्वेस्टर्स. अगर हम बैंक में पैसा रख रहे हैं, अगर हम किसी कंपनी में जो है वो हम पैसा उनको दे रहे हैं, हमने सेव कर दिया, वहां रख दिया, उन्होंने आगे किसी प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट किया. अब वो सेव करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए जो हमें मीडियम चाहिए, जहाँ पे शेयर्स या डिबेंचर्स मिलते हैं, हम कह सकते हैं जहाँ से द सेवर्स आर इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टर्स. हमने पैसा रखा बैंक में, बैंक ने पैसा आगे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या हमें वहाँ पैसा लगाने के लिए जो एक मीडियम चाहिए, जो एक मार्केट चाहिए, वो मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम पैसा जो है वो अपना सेव किया हुआ पैसा जो है वहाँ पे, जो अपना पैसा जो है वहाँ पे हम सेव कर सकें, हम दे सकें उनको, किसी कंपनी के शेयर परचेज कर सकें, किसी कहीं बैंक में लगा सकें, जो भी हम कर सकें पैसे को. मीन्स हियर इज द मनी विच वी सेव, द मनी विच वी सेव, हियर द मनी वेयर वी हैव इन्वेस्टेड. ये इन्वेस्टर्स हैं, ये जो मीडियम है बीच में, this medium is financial market. This is financial market, जिसमें हम अपनी financial assets को, अब financial assets कौन सी हैं, shares हो गए, debentures हो गए, bonds हो गए, commercial papers हो गए, और भी है ना, ठीक, उसको जो है वो ये एक medium provide कर रही है, that हमें हमें कोई सामान हमने कोई लेना हो, हमें कोई ना कोई market चाहिए ना, हम जाएंगे ना market में, एक medium है ना, ठीक है. ऐसे ही अगर हमने अपने फाइनेंशियल एसेट्स लेनी हो, हमने शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कमर्शियल पेपर्स वगैरह हो, वो परचेज करने, वो किस मार्केट से मिलेंगे, वो फाइनेंशियल मार्केट से मिलेंगे. और ये किसी भी कंट्री की, हर कंट्री की इकोनॉमी में होती है. हर कंट्री है पैसा दे रही है, हर कंट्री पैसा खर्च भी किया जा रहा है, और हर कंट्री में पैसा जो है बचाया भी जा रहा है, और बचाया पैसा कहीं लग भी रहा होगा, ठीक है. तो ये फाइनेंशियल मार्केट है, इट इज प्रेजेंट इन एवरी इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी कंट्री की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में है. एंड दिस फंक्शन, जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, दिस फंक्शन इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. एलोकेटिव फंक्शन, एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है. Here we are the savers, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, and we are giving the money to investors. वो invest करेंगे, हम गिन लेते हैं कि हमने invest किया हुआ है, हम यही कहते हैं ना, मेरे पास पैसा था, मैंने वो invest कर दिया. कहाँ invest किया, मैंने bank में FD करवा दी, मैंने किसी company के shares purchase कर ली, वो मेरी investment है. Actual investment वो नहीं है, actual investors वो हैं, हम तो savers हैं, हम save करके उनको दे रहे हैं, अपने आप को इन्वेस्टर्स भी हम गिन लेते हैं साथ में, हम सेव करके दे रहे हैं, इन्वेस्ट वो कर रहे हैं,
किसी कंपनी ने, जैसे हम वो सम्स भी कर रहे थे शेयर कैपिटल वाले, किसी कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला है, कहते हैं कंपनी इशू दीज मैनी शेयर्स, उस दिन वो निकाला, हमने वहां पे पैसा जो है वो उनको दे दिया, हमने वो सेल किया है पैसा, हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर हम कह देते हैं। एक्चुअली में इन्वेस्टर्स वो है, वो कंपनी है जो कि उस पैसे को इकट्ठा करके हमसे इन्वेस्ट करेगी, किसी प्रोजेक्ट में लगाएगी, वहां से रिटर्न होगी तो हमें भी उसका कुछ पोर्शन दे देगी। वी आर द सेवर्स, दे आर द इन्वेस्टर्स, हम कह सकते हैं बैंक इन्वेस्टर है, इंश्योरेंस कंपनी एक इन्वेस्टर है, हम पैसा इकट्ठा करके सेव करके उनको दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, फंक्शंस। देखिए फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। प्रथम आप अब निकाल ले नोटबुक, पहले लिखा आपने, हाँ जी, एलोकेटिव का मतलब जो हमने फंड उनको दिए उन्होंने आगे एलोकेट किए, डिस्ट्रीब्यूट किए उन्होंने आगे, कह सकते अलॉट किया, यही फंक्शन जो है, हम पैसा जो है उनको दे रहे हैं, ठीक है, और बाद में अगर इन्वेस्ट किए पैसे वापस भी ले रहे हैं, ये पैसा देना और इन्वेस्ट करना वापस लेना उनसे, दिस इज एलोकेटिव फंक्शन। नेक्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट है इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन वर्ड बना है मोबाइल से, है ना, कि जिसको हम मूव कर सकते हैं, हम कह सकते हैं जो सेविंग्स हैं हमारी वो हमारी आगे इन्वेस्ट हो रही है, मीन सेविंग्स आर बीइंग मूव्ड फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। देखिए इसका फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ पीपल and channelizing them into most productive uses it helps the savers by giving them different choices of investments and earn income and capital appreciation appreciation इसका मतलब क्या है, इट हेल्प्स द सेवर्स बाय गिविंग देम डिफरेंट चॉइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बहुत चॉइसेस हैं इन्वेस्टमेंट की सेवर्स के पास, शेयर्स ले सकता है, डिवेंचर्स ले सकता है, बॉन्ड्स परचेज कर सकता है, कमर्शियल पेपर्स ले सकता है, आगे भी और हम पढ़ेंगे आगे जाके और भी कई ऑप्शंस हमारे पास आएंगी, डिफरेंट चॉइसेस आर देयर एंड अर्न इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। बट इज इनकम हेयर, इनकम सिंपल सी हम बात करें तो इनकम इज प्रॉफिट, है ना, ठीक है, लेकिन जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इनकम हेयर मींस डिवेंचर पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर डिवेंचर होल्डर, शेयर पे क्या मिलेगा, डिविडेंड, डिविडेंड इज एन इनकम फॉर शेयर होल्डर्स, इनकम पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन जब शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, वो शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ गया, जो पैसा लगाया हुआ था उसकी इनकम तो आ रही है, उसका डिविडेंड तो मिल रहा है, लेकिन साथ में शेयर का प्राइस भी जो है वो बढ़ रहा है, कैपिटल इज बीइंग एप्रिशिएटेड। सपोज मैंने शेयर परचेज किए थे, मेरे पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स थे और एक शेयर की जो वैल्यू थी मैंने वो 100 रुपीज के हिसाब से परचेज किए थे, इट मींस मैंने 1,00,000 रुपया कंपनी में लगाया हुआ था, हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मेरे मेरे हिसाब से मैंने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था, कंपनी के फेवरेबल आउटकम्स आए, रिजल्ट फेवरेबल आया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया कंपनी को, या कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिल गया, है ना, तो शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ के 100 से 120 हो गया, इट मीन जो मैंने 1,00,000 रुपये वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था उसका प्राइस जो है 120 के हिसाब से 1,000 शेयर्स का कितना बन गया, वो 1,20,000, अब वो 1,20,000 है, माई कैपिटल इज ऑल्सो बींग अप्रिशिएटेड, दिस इज द कैपिटल एप्रिसिएशन। जो इनकम जनरेट हो रही है वो तो मेरे को 1,000 शेयर पे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो मिल ही रही होगी, वो तो आ ही रही है सपोज,
है ना, जितना भी कंपनी के पास कैश है, जितना भी हमने वो चैप्टर में किया हुआ, पिछले चैप्टर में डिपेंडिंग वो डिफरेंट फैक्टर्स डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक किया हुआ है, कैश है कि नहीं है, अर्निंग्स कैसे है, वो तो है, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इज अच्छी कंपनी, है ना, वो शेयर का प्राइस बढ़ गया, डिविडेंड मिल रहा है, इनकम आल्सो इज बीइंग जनरेटेड एंड शेयर प्राइस इज कैपिटल इज आल्सो बीइंग एप्रिशिएटेड, वो भी मेरी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ये सिर्फ ऐसे ही आपने इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ही लिख देना, इसको पता होना चाहिए, पता नहीं यहाँ से ना वन मार्कर बन जाए क्या पता, इस चीज का पता होना चाहिए जो इनकम की यहाँ बात हो रही है ना, कई वर्ड्स होते बड़े सिंपल है लेकिन बड़ा डीप मीनिंग रखते हैं, इनकम इज अ वेरी सिंपल वर्ड, लेकिन जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें कि इनकम के कई टाइप्स निकल आती है बीच में से, कैपिटल एप्रिसिएशन मीन जो पैसा आपने लगाया वो पैसा कैसे बढ़ रहा है, वो इक्विटी शेयर्स में पॉसिबल है, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी चीज का प्राइस सेट कैसे होता है, प्राइस सेट कैसे होता है, प्लस टू इकोनॉमिक्स प्लस वन इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई से होता है ना, तो जो फाइनेंशियल मार्केट है ये भी डिमांड एंड सप्लाई किसी इंस्ट्रूमेंट की देख के उसका प्राइस जो है वो सेट करती है, जब किसी चीज किसी शेयर की सपोज जो डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई कम है तो अपने आप उसका प्राइस बढ़ जाएगा, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं ना, एग्जाम्पल हम ले रहे थे 100 वाला 120 क्यों हो गया, जो भी हमने एग्जाम्पल लिए क्योंकि कंपनी के लिए फेवरेबल आउटकम्स आई है, कंपनी का प्रॉफिट एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली कोई भी रीजन हो बढ़ गया होगा, कंपनी को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले होंगे, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ आगे अच्छा होगा, जो लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं मीन्स उनके शेयर परचेज करना चाहते हैं, अब जिनके पास है वो लेकिन दे रहे नहीं चाहते, कहते वो हमारा पैसा भी तो बढ़े, इट मीन्स क्या हुआ, सप्लाई है नहीं, देना कोई चाह नहीं रहा, लेकिन परचेज सारे करने जाते हैं, डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो जहां कहीं डिमांड और प्राइस आपस में मिल गए वहां पे सेट हो जाएगा प्राइस उस चीज का, और ये मीडियम जो है वो कौन आपको प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो प्रोवाइड करेगी आपको, है ना, जो परचेजर है वो कहते हैं कि अगर शेयर का प्राइस 100 रुपया है तो मैं आपको 101 का लेने को तैयार हूँ, सपोज करंट मार्केट प्राइस जो है शेयर का अगर वो 100 रुपया है, परचेजर जो है वो महंगा लेगा बिकॉज उसको चाहिए, जिसकी जरूरत है उसको महंगा मिलनी चाहिए, तो 101 पे सेल कर रहा है, लेकिन जो सेलर है वो बैठा ही नहीं करता, नहीं जी मैंने 105 लेने, आप देख लो, इट मीन्स डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल नहीं है, डिमांड 101 पे आ रही है, सप्लाई वाला कह रहा है कि जी मैंने 105 लेना है, अब वो कुछ वो कम करेगा कुछ ये बढ़ाएगा, सपोज 103 कहता मैं 103 आपको देता हूँ, वो कहता चलो हाँ ले लो कोई बात नहीं, जो 103 था उसने प्राइस सेट कर दिया बिकॉज वहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, तो 103 की सेट किसने किया, सेट किसने किया फाइनेंशियल मार्केट में, आजकल ये सारी ऑनलाइन चलता है, पहले होता था ऑफलाइन, पहले अगर हमने शेयर वगैरह परचेज करने होते थे वी हैव टू फिजिकली गो देयर इन द स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना में है स्टॉक एक्सचेंज, ऑफलाइन होता था, या वो ब्रोकर जाएगा या हम खुद जाएंगे वहां, जैसे ऑक्शन होती है ना, लगती है बोलियां, ये वाली कंपनी का शेयर इतने देता हूँ जी मैं इतने दे रहा हूँ जी, वो आजकल ऑनलाइन है सारा कुछ, आजकल आप मोबाइल पे किसी ऐप पे या अपने किसी और सोर्स से या अपने लैपटॉप से जहां से भी आप शेयर जो है वो परचेज विद अ क्लिक ऑफ माउस यू कैन परचेज द शेयर, आप बिड डालो वहां पे सिर्फ ये वाला प्राइस मेरे को चाहिए, यहां ऑनलाइन पे हम परचेज सेल कर रहे हैं शेयर, ना परचेजर को पता है ये सेलर कौन है, ना सेलर को पता है परचेजर कौन है, आपने पैसे आपने शेयर परचेज किए आपके अकाउंट विद इन 2 डेज शेयर आ जाएंगे, पैसे पहले कम हो जाएंगे, पैसे आपने आज परचेज किए आज आपके पैसे अकाउंट से कम हो कल या परसों में आपको शेयर आ जाएंगे, पता है नहीं किसने किससे लिए ये चीज, सेलर को बायर का नहीं पता, बायर को सेलर का नहीं पता, पहले था ऑफलाइन, ये जो मीडियम हो रहा है चाहे वो ऑफलाइन भी था, मीडियम प्रोवाइड कौन कर रहा था, फाइनेंशियल मार्केट ही प्रोवाइड कर रही थी, ऑनलाइन में मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई ना कोई जगह तो होगी ना, कोई ना कोई तो मार्केट होगी ना, वो फाइनेंशियल मार्केट है, सो इट स्टेबलाइजेस द प्राइसेस और वी कैन से इट sets the prices of the financial instruments like shares, debenture, etc. through demand and supply. ठीक है, लिख लीजिए इसका, demand and supply of financial instruments determine the prices of determine the prices of various instruments
दिस मैकेनिज्म इज provided by financial market. The interaction between buyer and seller helps to establish the prices of financial assets. Right. So point number three provides liquidity to financial assets. देखिए एन एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स by creating ठीक है. अब इसकी एक लाइन और पड़ी है लिखने वाली, मैं बाद में लिखवाता हूँ. इसके वैसे मतलब होना क्या चाहिए, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. लिक्विडिटी तो वैसे हमने बहुत बड़ी पड़ी हुई है अकाउंट्स में भी. लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी यस, कितनी जल्दी हम उस एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. जितनी ज्यादा इजिली हम कैश को एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा वो एसेट लिक्विड है. तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देती है ना. जैसे हमने यहाँ दिया, हमारे पास पैसा था, हमने इन्वेस्ट कर दिया हमें जरूरत पड़ गई पैसे की, हम वो पैसा जो है वो दोबारा उसको लिक्विड कर सकते हैं. इजिली वी कैन कन्वर्ट दैट मनी दैट एसेट इनटू कैश. मेरे पास पैसा था, सरप्लस पड़ा हुआ था, मैंने वो शेयर्स परचेज कर लिए, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, मैंने इमीडिएटली शेयर सेल कर देने हैं, दो दिन के बाद मुझे पैसे अकाउंट में आ जाएंगे. ठीक है, ये नहीं है कि वो बिल्डिंग परचेज कर ली, लैंड परचेज कर ली, उसको सेल करने के लिए टाइम चाहिए, ऐसा नहीं है. दोज एसेट्स आर नॉट लिक्विड एसेट्स, दोज आर अ काइंड ऑफ परमानेंट एसेट्स, वी कैन से नॉन करंट एसेट्स, वी कैन से. उसके बाद होती करंट एसेट्स जिसको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. लिक्विड क्या होती है, कैश ही है वो, कैश ही. हम चैप्टर किया हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट, कहीं वर्ड आया होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज आया था, उसे हम क्या करते थे, कैश फ्लो में याद है किसी को, कैश एंड कैश वो यही होती है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ. इसीलिए कैश एंड कैश लेते हैं कि वो कैश तो नहीं है बट इट इज इक्विवेलेंट टू कैश. वेरी इजिली वी कैन कन्वर्ट दैट एसेट इनटू कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसे हम करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बोल देते हैं, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है. और बिकॉज वो लिक्विड ही बहुत ज्यादा है, सो लिक्विड दे आर कि इमीडिएटली हम कैश में, यहाँ इमीडिएटली मीन्स विद इन टू डेज, बिकॉज टी प्लस टू होता है. एक्चुअली जो होता है ना, आगे पढ़ेंगे वहां बोर्ड आएगा, टी प्लस टू होता है. टी प्लस टू मीन्स द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन प्लस टू डेज, कि आज आप शेयर परचेज करो, परसों आपके अकाउंट पैसे आ जाएंगे, सेल करो शेयर, वो आज माइनस कर देंगे, दो दिन के बाद आपके अकाउंट पैसे उसके जो है वो आपने सेल किए तो आ जाएंगे पैसे. और अगर आपने परचेज किए हुए हैं तो पैसे आज कम हो जाएंगे, परसों से पहले आपके शेयर आ जाएंगे. सच इज लिक्विडिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. तो यहाँ हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करने की नहीं, हम उसको सेल करने की बात कर रहे हैं कि दीज एसेट्स आर वेरी लिक्विड. इसमें एक लाइन आपने और ऐड करनी है, क्या लिखा है आपने, परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये लिखा है आगे, साथ ही लिखिए इसके आगे, द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स
which can be sold easily in the market. Which can be sold easily in the market. इसका लास्ट पॉइंट है, फंक्शन का लास्ट पॉइंट है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट. लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मीन जो हमने सी अब कोई ना कोई मीडियम है बीच में है ना, फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें पार्टीज भी होंगी, कंपनीज भी होंगी है ना, जिसके थ्रू हम कर रहे हैं, जिसे हम बहुत कॉमनली ब्रोकर्स कह देते हैं, कमीशन एजेंट जिसे हम ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स भी होते हैं, उसके जो आगे क्लाइंट्स क्लाइंट्स नहीं कह सकते, जो उसके आगे जूनियर टाइप कह सकते हैं वो भी होते हैं, सब ब्रोकर्स कमीशन कोई ना कोई चार्ज करेंगे ही ना, आपको परचेज सेल करने को दे रहे हैं, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी भी तो अर्निंग होनी चाहिए ना. ट्रांजेक्शन इज वेरी लो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज वेरी लो. आपके हिसाब से कितनी कॉस्ट हो सकती है? मैं बीच में ऑनलाइन वालों को भी साथ ही हूँ भैया, है ना, आप भी आंसर कर सकते हो. कॉस्ट जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितने परसेंट हो सकती है? टू टू थ्री परसेंट और ज्यादा कम नहीं होगा, टू टू थ्री परसेंट, 5% है ना, थोड़ा रीजनेबल तो है. और कोई ऑप्शन वाला हिसाब है, बोल तो ऊपर ही जाना है. 1% जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ट्रांजेक्शन, भाई मैं ज्यादा बता रहा हूँ, बताता हूँ आपको, अभी मैं ऊपर हूँ. 0.5% मतलब ये हुआ कि आप 100 रुपए की परचेज करो तो 50 पैसे कॉस्ट है जो आपको एज अ कमीशन पे करना पड़ेगा. मीन्स हम 1,00,000 रुपए की अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें 500 बनता है रुपया, शायद देखना करके कैलकुलेट इतना बनता है, 1,00,000 रुपए के शेयर परचेज करिए, 500 रुपया कमीशन है. अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना हो गया तो ये भी ज्यादा लग रही है. वो अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स को, रेगुलर कस्टमर्स को इसमें भी डिस्काउंट देते हैं, उससे भी ज्यादा क्या हो गया. आप जितने के मर्जी शेयर परचेज करो एक लॉट में, एक बार में जितने के मर्जी आप शेयर परचेज करो, आपको कमीशन 20 रुपए लेंगे, 20 रुपए फिक्स ही कर दिया, कहते 20 रुपए. नो डाउट इसकी भी कोई ना कोई टर्म्स कंडीशन होंगी कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर्स होने चाहिए, आप ये होना चाहिए, मे बी ये हो, ये नहीं मैं कह रहा कि है, मे बी ये हो. कॉम्पिटिशन इतना है ब्रोकर्स में कि आप जितने के मर्जी शेयर परचेज कर लीजिए, आपको पर लॉट 20 रुपए का चार्ज आएगा उनकी तरफ से. जो कॉस्ट आ रही है शेयर्स की वो तो आ ही रही है, कमीशन आपने सिर्फ 20 रुपए पे करनी है बस, ये भी है. और कुछ कंपनी ने तो ऐसे इसको फ्री में ही कर दिया, ये फ्री है. अब फ्री तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ले ही रहे होंगे. फ्री कर दिया मीन्स आपने हमें इतने पैसे देने हैं फिक्स महीने के मान लो, उसके बाद आप इतने की मर्जी शेयर परचेज करो, हमें कोई मतलब नहीं. और ये फायदा उनको है जो ट्रेडर्स हैं. ट्रेडर्स क्या होते हैं? एक होते हैं इन्वेस्टर्स, एक होते हैं ट्रेडर्स. इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने शेयर जो है वो परचेज कर लिए, रख लिए बाद में देखेंगे, आज नहीं. कुछ होते हैं ट्रेडर्स, वो डेली ट्रेड करते हैं, उसको उसने बिजनेस बनाया होता है, डेली परचेज सेल करते हैं, उनके लिए बड़े फायदे वाली चीज़ है ना. महीने का जो 2,000-4,000 बनता है वो दो डेली के शेयर परचेज सेल कर रही है, बाद में चिंता कोई नहीं. डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर्स हो या आप ट्रेडर्स हो. अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो 0.5% भी कोई ज्यादा नहीं लग रही, कोई ज्यादा नहीं है. 1,00,000 रुपये लगाना हो, 500 रुपये जाना है, इतनी ज्यादा नहीं लग रही. ट्रेडर जो है उसके लिए तो हर लॉट पे 20 रुपए देना, हर बार देना 20-20 रुपए, वो दिन में पता नहीं 10 बार ही परचेज सेल कर रहा होगा, 20-20 रुपए देगा तो उसको 200 बन गए बिना बात कही, उसके लिए वो ठीक है जी, अब फ्री वाला ले लो, आप पैसे बोलो कितने लेने मिले. डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, पर्सन टू पर्सन, है ना. ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज वेरी लो, ठीक लिखिए इसके बारे में. फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स the transaction at very low cost. A person is not required. A person is not required to find seller or buyer of the securities. Seller or buyer of the securities. Securities means here securities,
शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फाइनेंशियल एसेट्स की ही बात हो रही है यहाँ पे। ही कैन परचेज और सेल दीज सिक्योरिटीज थ्रू ब्रोकर्स, थ्रू ब्रोकर्स हु चार्ज अ वेरी नॉमिनल कमीशन फॉर दिस, हु चार्ज अ वेरी नॉमिनल कमीशन फॉर दिस, फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर, फॉर एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कमीशन जो है दैट इज वेरी नॉमिनल, बहुत नॉमिनल है, ठीक है। दीज वर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, types of financial markets, बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है वो टू टाइप्स की है, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट, मनी एंड कैपिटल। और कैपिटल मार्केट को फर्दर हम सब क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट, ठीक। इस टॉपिक को हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, लेकिन जो इसमें आज करने वाला वो यही है, जो मनी मार्केट है दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। अब शॉर्ट टर्म बिजनेस में अकाउंट्स में किसको लेते हैं हम, 1 ईयर को, जिनकी परचेज सेल जो है वो मतलब एक साल से कम पीरियड के लिए की जानी है, ये जो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक साल से कम पीरियड के लिए की जानी है, वो हमें मनी मार्केट के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्ट करने पड़ते हैं, है ना। और जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 ईयर से ज़्यादा की होगी वो हम कैपिटल मार्केट के थ्रू करते हैं। हमें नहीं पता होता, हमने नहीं कहना होता कि जी मनी मार्केट के थ्रू कर लो कैपिटल मार्केट के, हमें नहीं पता होता, वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है वो ऑनलाइन वाला कि आपने तो बस रेट बोलना है, इस सिस्टम को पता है उसने कहाँ, उसने किस साइड जाना है, वो ये जो परचेज कर रहा है ये 1 ईयर से कम वाला है या 1 ईयर ज़्यादा वाला है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं 1 ईयर से कम वाले हैं, बिकॉज सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स आर सच कि जो अवेलेबल नहीं है, मान लो अपने मोर देन 1 ईयर के लिए या लेस देन 1 ईयर के लिए, तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ कि ये जो है 1 ईयर शॉर्ट पीरियड वाला है, ये है ये लॉन्ग पीरियड वाला, मोर देन 1 ईयर का हो गया, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट जो मोर देन 1 ईयर की होते हैं, उसमें है आगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जो डील करती है न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। इसीलिए इसको न्यू इश्यू मार्केट भी कह देते हैं, न्यू इश्यू मार्केट, इसको ये भी कह देते हैं न्यू इश्यू मार्केट, बिकॉज ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है जो फर्स्ट टाइम इश्यू हो रहे हैं। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जो उन सिक्योरिटीज में उन इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है विच हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड बाय द कंपनीज। अगर आपने एग्जांपल इसकी लेनी हो तो जो हम शेयर मार्केट कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं अकाउंट्स में शेयर कैपिटल वाला, वहां पे क्या आता है, अ कंपनी इश्यूड दीज मेनी शेयर्स, प्राइमरी मार्केट, नए शेयर इशू किए हैं, पुराने वाले नहीं है, वो नए वाले है ना, किसने किए, कंपनी ने किए है ना, कंपनी ने पब्लिक को किया है ना, फर्स्ट टाइम इशू हुए हैं ना, न्यू इशू मार्केट। कंपनी ने इशू कर दी, सपोज आपने परचेज कर लिए, आपने सेल किए, मैंने परचेज कर लिए, मैंने सेल किए, इसने परचेज कर लिए, इसने किए, उसने परचेज कर लिए, हमारी आपस में हो रही है वो सेकेंडरी मार्केट। अगर कंपनी बीच में इन्वॉल्व है, कंपनी जो शेयर इशू कर रही है दूसरे वाले पर्सन को, पब्लिक में इशू कर रही है, मीन्स सिर्फ शेयर में, यहाँ सिक्योरिटीज की बात हो रही है, तो वो न्यू इशू मार्केट है, वो प्राइमरी मार्केट में आएगी। इट डील्स ओनली इन द न्यू सिक्योरिटीज, मीन द सिक्योरिटीज बींग इशूड बाय अ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब कंपनी ने पैसे ले लिए, सपोज आपने परचेज किए शेयर किसी कंपनी के, आपने पैसे किसको दिए, कंपनी को, कंपनी इन्वॉल्व होगी, कंपनी के पास कैपिटल आ गई, आपने पास मेरे को कर दिए, जो हमने आपस में ट्रांजेक्शन की है, कंपनी के पास उन्हें पैसा दिया,
सेकेंडरी में, जहां कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, मैंने आगे शेयर सेल किए इसको, ये पैसा भी कंपनी में नहीं गया सेकेंडरी, इसने आगे शेयर की उसको सेल, वो भी नहीं कंपनी में गया, मीन जब कंपनी कैपिटल इंक्रीज हुई है प्राइमरी मार्केट है, उसके बाद तो पैसा कंपनी के पास आएगी, फिर तो हम आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वेरियस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, हमें नहीं पता होता कि हम क्या, हमें तो शेयर परचेज करने की बात करो, है ना, ये उसको पता है तुमको मनी मार्केट में जाना है कि कैपिटल मार्केट में, प्राइमरी में जाना है कि सेकेंडरी में जाना है, एम आई क्लियर? इसको हम डिटेल में जो है वो कल करेंगे, आज का इतना ही, कोई है डाउट होता है तो पूछ लीजिए, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों का भी है तो पूछ लीजिए प्लीज। कुछ नहीं है आपका है बेटा, एक सेकंड शुभम, एक अच्छा बेटा बोल दो, कोई इनके साथ में हो जाए लो, हाँ सर कॉस्ट बहुत कम होती है, जो कमीशन हम पे कर रहे हैं ना ब्रोकर्स को, डेफिनेशन कहाँ लिखनी रहेगी, बोलो बताता हूँ थोड़ा, कहाँ लिखा होगा आपने, who charge a very nominal commission for this, online वाला को कोई है बेटा आपकी कोई query, कोई तनवीर सर, थर्ड पॉइंट थोड़ा सा रह गया, लास्ट लाइन रह गई थी, इन्वेस्ट देयर सेविंग इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन बी सोल्ड इजीली इन द मार्केट, यस कनिका सर एक लाइन थी थर्ड पॉइंट में, द इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द prices of the financial assets, ये समझा दो, पॉइंट नंबर थर्ड लास्ट लाइन थी थर्ड पॉइंट में होगा, सेकंड में है, सेकंड पॉइंट द इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वही जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रही है, दिस इज द इंटरेक्शन, हमने अभी एग्जांपल भी ली थी कि वो कहता है कि मैंने 101 पे मैं लेने को परचेस करने को मैं तैयार हूं, जो बायर है वो ये कह रहा है, मींस डिमांड 101 पे आ रही है शेयर की, लेकिन जो सेलर है वो कहता है कि मैंने 105 रुपए लेने मैंने तब सेल करना है, ये इंटरेक्शन चल रही है, जैसे हम मार्केट में करते हैं ना जाके, वो कहता है कि चीज मैंने 1000 रुपए लेना, हम कहते नहीं हमने 800 लेना है, ये इंटरेक्शन ही है, थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा वो डिक्रीज करता है, बीच में आके 900 रुपए में रेट सेट हो जाता है, तो इंटरेक्शन हुई है उससे रेट सेट होना, जो हम अपनी बाजार से कोई सामान लेते हैं हम नेगोशिएट करते हैं वो इंटरेक्शन है, ऑफलाइन ऑनलाइन में हम ये ऑनलाइन होके नेगोशिएट कर रहे हैं ना, हमने बिट डाल दी वहां पे लिख दिया कि हम 101 पे उनके सिस्टम में जाके हम 101 पे लेने को तैयार हैं, लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं जो सेलर है वो उसके 105 मांग रहा है, तो जहां पे कहीं रेट किसी का मैच कर गया, सपोज कोई और इसलिए कम नहीं किया, कोई और सेलर आ गया 104 ने बोल दिया, कोई और बायर आ गया, मैंने कम नहीं किया, कोई और बायर आ गया उसने 104 पे ले लिया, रेट सेट हो गया, जो इंटरेक्शन हुई है सेलर कह रहा है कि मैंने ज्यादा लेना है, बायर कह रहा है मैंने कम देना है, जहां पर रेट सेट हुआ वो उसकी इंटरेक्शन, ठीक है कनिका? यस सर। मोनिका मैम प्लीज एंड द मीटिंग।